अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरात प्रथमच MIM या पक्षाच्या नोंदणी शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे। या प्रसंगी शेकडो मुस्लिम बांधवांनी आपले नाव नोंदवले आहे। मैं जाकिर शेख, MIM शहर अध्यक्ष और जामनेर वासियों को ये बात ये खुशखबर देते हुए जो है तो बहुत ही खुशी हो रही है कि MIM की सदस्य नोंदनी जो है तो जामनेर शहर में शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द जो है तो हम जो है तो बहुत सारे सामाजिक कार्य यहाँ पर शुरू करेंगे और जो नई नई स्कीमें सभी जो है तो लोगों को फायदा पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले नगरपालिका के इलेक्शन में जो है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो MIM की सीटें यहाँ से जो है तो चुन कर देंगे और इंशाल्लाह हम जो है तो लोगों का यहाँ पर जो है तो काम करेंगे और लोग गरीबों की जो है तो सेवा करेंगे और हम जो है तो यहाँ पर बस जामनेर वासियों से एक अपील है कि वह MIM और वंचित अघाड़ी जो है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे और इनके साथ में आए क्योंकि एक यही जो है तो पार्टी है जो मुसलमानों के, दलितों के और जो वंचित जो लोग हैं उनके बारे में जो है तो न्याय की बात करने वाली पार्टी है और लोकसभा में विधानसभा में इनके लिए जो है तो आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। नहीं तो अभी तक हम जो पार्टियां देख रहे हैं तो ये सिर्फ जो है तो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा जो है तो कुछ नहीं है। जो अभी मुक्ति साहब थोड़े दिन पहले तो मालेगांव में कहा कि भाई वंचित और जो OBC और जो निचले जाति के लोग हैं तो उनका जो है तो दूसरी पार्टियाँ सिर्फ बाजे वालों की तरह यूज़ कर रही कि भाई उनको सिर्फ मंडप के बाहर तक जो है तो साथ में रखती और उसके बाद में जब मंडप में घुसने का टाइम आता तो बाजे वालों को बाहर छोड़ देते और दूल्हा और बाराती अंदर चल जाती तो वैसे भी हमारा हाल हो जाए। तो इंशाल्लाह हम जो है तो MIM के थ्रू जो है तो पब्लिक का साथ चाहते हैं और पब्लिक का जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करने की जो है तो कोशिश करेंगे और बस मैं जो तो इतनी बात कह के जो तो अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।